हेलो दोस्तों शडी मोड़ में आपका स्वागत है बिहार फायरमैन भर्ती 2021 आज हम इस वीडियो में सत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका टेस्ट लेने आ चुके हैं जिसमें जिक के जी एस करेंट अफेयर तथा सामान्य हिंदी का प्रश्न होगा सभी प्रश्न सिलेबस पर आधारित है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन टेस्ट के भांति लेना है और कम से कम पचास स्कोर करना है जो लोग भी पचास स्कोर कर दे रहे हैं तो कभी भी आपका एग्ज़ाम होता है फायरमैन का उसमें आप अच्छा स्कोर कर कर आइएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है तो भारतीय मानक समय आधारित है ये किस पर तो ये साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर पर ठीक ये याद रखिएगा पहले कैंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा साढ़े बयासी डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से पार होता है याद रखिएगा ये जो है ये यहाँ पर रहा ग्रीनविच यहाँ से ये साढ़े पाँच घंटा आगे है भारत का जो समय रेखा है ये साढ़े पाँच घंटा आगे पड़ता है और ये आप देखिएगा साढ़े बयासी डिग्री पर ये माना गया है निर्धारित किया गया है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है यह याद रखिएगा तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अगर यही पूछे कि जो समय रेखा है या दिनांक रेखा है ये किस पर आधारित होता है तो ये देशांतर रेखा पर आधारित होता है ये बात ध्यान में रखिएगा देशांतर रेखा पर एक डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोला जाता है डेट लाइन बोला जाता है दिनांक रेखा बोला जाता है और जीरो डिग्री देशांतर रेखा को यहाँ से आपको समय रेखा का मेजरमेंट किया जाता है मीन की टाइम लाइन ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है वो दर्रा का नाम बताना है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है ठीक तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा सिपकिला सिपक़िला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए देश के स्वार्धिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो देश के स्वार्धिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उषाढ़ पतझड़ बन पाया जाता है कौन उषाढ़ पतझड़ वन ठीक मौसमी आपको जब मौसम आता है तो ये पत्ता भी अपना झाड़ देता है ये उषाढ़ पतझड़ वन पाया जाता है ठीक पतझड़ व समय ये अपना पत्ता झाड़ देता है ये भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं ये याद रखिएगा तीसरे के आंसर बी हो जाएगा भारत में सदाबहार वन भी पाया जाता है जैसे पश्चिमी घाट हुआ या पूर्वी जो भारत के पूर्वी राज्य के कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्र हुए वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर कुछ सदाबहार वन भी भारत में पाए जाते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा तीसरे के आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए भारत के स्वार्धिक क्षेत्र पर किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार पाया जाता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखिए जो मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत आपको पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो ये पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी ये नदी द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं एक पुराना जलोढ़ मिट्टी एक नया जलोढ़ मिट्टी।, मिट्टी पुराना में इसकी खादर और बांगर दो नाम इसका है नया जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी खादर बांगर अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में मिट्टी उसके बाद काली मिट्टी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है काली मिट्टी में और आपको देखिएगा जलोढ़ मिट्टी में किसका खेती सबसे ज़्यादा होता है तो धान हुआ गेहूँ हुआ इसका खेती सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में होता है फोर्थ कैंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये आपको बताना है जनसंख्या के दृष्टि से तो पटना जिला हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से पश्चिमी चंपारण जिला जो होगा ये सबसे बड़ा जिला है ये याद रखिएगा यहीं पर एक आपको वनजीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं जो कि बाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है ठीक फाइव के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का और अगर सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से बिहार का पूछे तो वो हो जाएगा पटना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको है पृथ्वी की कोर में स्थित किस तत्व की, की प्रधानता होती है पृथ्वी की जो कोर होता है कोर आपको एकदम एकदम देखिएगा नीचे नीचे बीच बीच में में होता है मतलब आप सकते सकते हैं या बीच में बोल सकते हैं या बोल टू डी आप बनाइएगा डायग्राम तो बीच ही में बोलिएगा ठीक है या अगर आपको थ्री डी में देखिएगा तो कहिएगा एकदम नीचे जब होगा वो ठीक तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस तत्व की प्रधानता होती है तो इसे बोला जाता है कि नीफे निफे मीन की निकेल और फेरस इसकी प्रधानता होती है जो कोर होता है पृथ्वी का उसमें ठीक तो सिक्स के आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है तो ये कौन थी तो लालू प्रसाद देवी जी लालू प्रसाद के वाइफ राबड़ी देवी जी थी और ये जो आपको थी ये बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ऐसे पूछे कि भारत के सबसे पहला जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी किस राज्य के बनी थी उनका क्या नाम था तो उनका नाम था सुचिता कृपलानी और वो उत्तर प्रदेश के बनी थी और पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो थी सरोजनी नायडू वो भी उत्तर प्रदेश के बनी थी ठीक ये आपको यहाँ पर हो जाएगी राबड़ी देवी जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये लोकसभा के अध्यक्ष जो प्रथम महिला बनी थी ये थी मीरा कुमार जी ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए एक कलकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्ित होते हैं एक कलकाड़ी राज्य के जो राज्य निर्देशक तत्व तत्व है ये वणित होते हैं यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये अब आंसर ही मैं आपको बता दिया ठीक कलका राज्य के निर्देशक जो आदर्श है वर्ित होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कि संविधान के भाग चार में है ठीक ये इस बारे में दिया हुआ है जिसे डी बोला जाता है इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसके आंसर क्या हो जाएगा एट के आंसर ए हो जाएगा ये याद रखिएगा आर्टिकल चालीस भी याद रखिएगा जिसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है और समान नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल चौवालीस में दिया हुआ है ये एक समय न्यूज़ में है तो ये भी याद रखिएगा ठीक मौलिक अधिकार का जो पाठ है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जिसकी फंडामेंटल राइट जिसे बोला जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है जो लोकसभा के स्पीकर है इनका निर्वाचन होता है ये आपको बताना है ठीक मलवंकर जी सबसे पहले आपको वासुदेव मलवंकर गणेश वासुदेव मलवंकर जो थे ये सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे या स्पीकर जिसे बोला जाता है और अभी सत्रहवा लोकसभा के जब चुनाव हुआ था तो ओम प्रकाश बिरला जी अभी अध्यक्ष है ठीक प्रथम महिला जो बनी थी ये मीरा कुमार थी लोकसभा के अध्यक्ष तो संसद के जो भी सदस्य होते हैं वहीं अपने आप में से लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं मिसकी संस लोकसभा के सभी संसद नहीं लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा संसद में जो एक लोकसभा होता है क्योंकि लोकसभा के स्पीकर बन रहे हैं तो लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं वहीं आपको चुनाव करते हैं ठीक तो नाइन्थ के आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दस देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उससे पद उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है तो मैं पहले भी आपको बताया था कि महाभियोग द्वारा आर्टिकल इकसठ के तहत हटाया जा सकता है और ये प्रक्रिया कौन शुरुआत करता है तो ये संसद संसद आपको शुरुआत करते हैं सांसद जिसे बोला जाता है तो संसद के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दस के आंसर क्या हो जाएगा डी देखिए ऐसे में संसद ना तो संसद में तीन पाठ आपको हो जाएंगे तीन भाग में हो जाएगा एक राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा सदन में लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है राज्यसभा अस्थायी सदन, सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलते क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है तो भारत के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री के पद पर आपको आसीन रह सकते हैं राज्य में भी यह प्रावधान लागू हो सकता है कि राज्य में भी आपको मंत्री परिषद मंत्री बन सकते हैं अगर आप विधानसभा के सदस्य नहीं है तो कितने महीने तक तो छः महीने तक छः महीने बाद आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी कोई ना कोई आपको ठीक ये ध्यान में रखिएगा कोई भी सदन से आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी एक ग्यारह के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा दो सदन दो सदनों है उसके बैठक के बीच में जो मैक्सिमम आपको ये हो सकता है अंतराल भी हो सकता है वो छः महीने का ही हो सकता है दो बैठक के बीच में ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर बारह देखिए दोनों सदनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए देखिए आ ही गया संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए ठीक ये आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए ये आपको बताना है ठीक ये क्वेश्चन नंबर आपको आगे दिया हुआ है तो ये बताइए तो ये होना चाहिए आपको छः महीने छः महीने तक कम से कम आपको इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम छः महीने हो सकता है मैं इसकी दो सत्र के बीच छः महीने का आपको डिफरेंट हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम तो बारह के आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर तेरह देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर तेरह है ये किए थे महादेव लाल सराफ ये आपको भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे तेरह के आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं कौन से ऐसे प्रसिद्ध है भारतीय जो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं ये आपको बताना है ठीक ये आपके सामने ऑप्शन है आप सभी लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें आपको नोबल पुरस्कार सबसे पहले उन्नीस में मिला था इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में ठीक रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगणमाना जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो लिखे हैं ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखिए सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर या बंदरगाह कौन था ये याद रखिएगा ये था लोथल लोथल जो था ये शिंदु में आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह था जो कि गुजरात में पड़ता है भगवान नदी के किनारे ठीक एक पतन नगर या बंदरगाह था आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे ये आपको बताना है आपके सामने ऑप्शन है तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे ये गोपाल किस गोखले को मानते थे गोपाल किस गोखले यह याद रखिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा सोलह के आंसर डी हो जाएगा वृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नरोजी को जाना जाता है मदन मोहन मालवीय ने बी की स्थापना किया था यह भी ध्यान में रखिएगा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान जनगणना मन के आपको बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ठीक राष्ट्रीय गान जनगणना मन के रचयिता है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था जो साइमन कमीशन है यह पहली बार भारत कब आया था ठीक साइमन कमीशन जो पहली बार भारत आया था ये आपको बताना है कब आया था यह आया था उन्नीस में और इसी के आपको इसी में भाग इसी के विरोध लेने में आपको लाला राजपत राय जो थे ये लाठी के प्रहार से इनका मृत्यु हुआ था ठीक ये भी ध्यान में रखिएगा तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा सत सत्रह के आंसर भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अठारह देखिए कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा ये वर्ष पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था ये क्वेश्चन है ये किया गया था उन्नीस में उन्नीस में ये याद रखिएगा ठीक और उस समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया जा रहा था वो कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी अठारह के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखिए भारतीय जनगणना दो के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व तो क्या है तो भारतीय जनगणना दो के अनुसार जो बिहार में जनसंख्या घनत्व तो है ये कितना है यह है ग्यारह प्रति किलोमीटर स्क्वायर में ठीक तो इसका आंसर याद रखिएगा उन्नीस के आंसर क्या हो जाएगा सी होगा जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से बिहार सबसे पहले स्थान पर आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बीस देखिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व में रूप में जाना जाता था भारतीय जो स्टेट बैंक है जिसे एस के रूप में जाना जाता है इसके पहले क्या नाम था किस नाम से ये जाना जाता था पूर्व में ये याद रखना है आपको तो ये नाम जाना जाता था आपको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से उन्नीस से पहले यह जाना जाता था तो आपको बीस आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा जो राष्ट्रीय बैंक है वो आपको आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि स्थापना उन्नीस में हुआ था क्वेश्चन नंबर आर का मुख्यालय और एस का दोनों का मुख्यालय मुंबई में है ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन से मैथिल कोकिल कहा जाता है किसे मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है आपको बताना है पहले भी मैंने आपको बताया था तो मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है ये जाने जाते हैं आपको बताइए तो ये विद्यापति विद्यापति को कोकिल के नाम से जाना जाता है ठीक ये याद रखिएगा सी हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर बाईस देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है जो भारत में राष्ट्रीय आय है इसका आकलन कौन करता है तो ये करता है केंद्रीय संख्यांकी संगठन केंद्रीय संख्यांकी संगठन करता है सी से जिसे बोला जाता है सीएसओ और जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किए थे ये दादा भाई नरौजी थे भारत में ये भी ध्यान में रखिएगा बाइस का आंसर सी बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेईस तेईस देखिए बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं कोई बोले बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज इकोनॉमिक्स इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है ये आपके सामने ऑप्शन है तो क्लोज इकोनॉमी से आप समझना चाहिए आयात निर्यात जब दोनों बंद हो जाते हैं उसे बोला जाता है क्लोज इकोनॉमी ठीक क्वेश्चन नंबर चौबीस देखिए क्वेश्चन नंबर चौबीस से गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये आधारित है आपको न्यास पर जिसे ट ट्रस्टीशिप कहा जाता है आपको याद रखिएगा ट्रस्टीशिप कहा जाता है इसे न्यास पर आपको आधारित है ठीक चौबीस के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस देखिए मेक मोहन रेखा निम्नलिखित में किन दो देशों को अलग करता है या पूछ सकता है कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पाया जाता है ठीक तो ये मैक जो ये जो रेखा है किसके किसके बीच में पाया जाता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर पच्चीस के आंसर हो जाएगा चीन भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है ये भी ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस है कि किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे अधिक लंबा है सबसे अधिक लंबा जो सीमा रेखा है किस देश के साथ है भारत का तो उसका नाम है बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है ये सबसे लंबा है ठीक ये याद रखिएगा छब्बीस का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक बांग्लादेश चारों तरफ से आपको देखिएगा तीनों तरफ से आपको एक तरफ से तो समुद्र से तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है ठीक ये याद रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है ये मनाया जाता है हर साल अट्ठाईस फरवरी को जो वेंकट रमन थे रमन इफेक्ट के कारण उनको उन्नीस में नोबल पुरस्कार मिला था उन्हीं के यादगार अभी मनाया जाता है अट्ठाईस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखिए अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी देखिए अभी पूछ रहा है तो अभी पता है आपको कि अड़तालीसवें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा और ये इनका नाम है ए वी रमन्ना ए वी रमन या ए वी रमन्ना भी वो लोग बोलते हैं तो ए वी रमन आपको याद रखिएगा ए वी नहीं एन वी रमन एन वी रमन ठीक तो अट्ठाईस के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा एन वी रमन जो है ये आपको भारत के अड़तीलीसवें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जो कि अभी के मुख्य न्यायाधीश है ठीक ये ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस की भारत के महान्यायवादी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं ठीक भारत सरकार के ये कौन है तो ये के वेणुगोपाल है इनका एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से तो उनतीस का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीस है कि भारत के लोकसभा के अध्यक्ष अभी कौन है तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष जैसे अभी सत्रहवां लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में ठीक तो सत्रहवां लोकसभा के चुनाव हुआ था तो, तो अध्यक्ष चुने गए थे और अभी अध्यक्ष जो है ये ओम प्रकाश बिरला जी है तो ओम बिरला जो है ये अध्यक्ष है तीस का आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एक है कि चालक के वेद्युत प्रतिरोधता की इकाई है जो चालक है उसकी वैध्युत प्रतिरोधता की इकाई क्या है ये आपको बताना है ठीक ये आपको चालक के वेध्युत प्रतिरोधता की इकाई जो है ये ओम मीटर है क्या होता है ओम मीटर वैध्युत प्रतिरोधता इकाई जो है ओम मीटर याद रखिएगा का आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस देखिए तेल के एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है तेल का कोई एक बैरल होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है उसमें कितने लीटर होते हैं एक बैरल में ठीक एक बैरल में कितने होते हैं तो एक सौ उनसठ लीटर होते हैं लगभग एक सौ उनसठ लीटर होते हैं एक बैरल में ठीक ये ध्यान में रखिएगा तो इसके आंसर बत्तीस का आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर है कि एक पार्सिक तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक है तो जो पार्षक है यह भी दूरी मापने का मात्रक है और जो प्रकाश वर्ष है वो भी दूरी मापने का ही मात्रक है ठीक ये ध्यान में रखिएगा और ये आपको एक पार्षक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है तो ये थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष के बराबर होता है कहने का मतलब कि सबसे बड़ा दूरी मापने का इकाई कौन हुआ तो पार्षिक हुआ उसके बाद प्रकाश वर्ष आ जाता है ठीक तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एक पार्षक आपको थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष के बराबर होता है क्वेश्चन नंबर चौतीस की शक्ति का मात्रक है शक्ति का मात्रक क्या है इसमें से आपको बताना है शक्ति का मात्रक क्या होता है तो शक्ति का मात्रक होता है वाट वाट शक्ति का मात्रक बल का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है क्वेश्चन नंबर पैंतीस की डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है जो डॉप्सन इकाई है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है डॉप्सन का ये आपको बताना है तो जो ओजोन लेयर है जो समताप मंडल में पाया जाता है तो ओजोन का फॉर्मूला होता है ओ ठीक और इसी के मोटाई मापने के लिए आपको डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई जो मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है ठीक और ओजोन परत जो है ये पराबैगनी जो सूरज के किरण है उससे हमारी रक्षा करता है और ओजोन को सबसे ज़्यादा किससे घातक होता था उसकी उसका दुश्मन था क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसे सी बोला जाता है आगे चलते क्वेश्चन नंबर छत्तीस की परमाणु वे नाभिक किसने खोजा था परमाणु नाभिक किसने खोजा था यह आपको बताना है परमाणु के नाभिक किसने खोजा गया था देखिए जो परमाणु होता है उसके नाभिक होता है नाभिक में आपको पोट्रोन न्यूट्रॉन मिलते हैं ये खोजा गया था रदर फोर्ड द्वारा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है तो रदर फोर्ड द्वारा छत्तीस के आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सैंतीस देखिए किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सैंतीस है तो किसी तत्व के परमाणु भार को ए ए एम यू में व्यक्त किया जाता है ए एम यू एटोमिक मिल्कुर में आपको व्यक्त किया जाता है एम तो, यू में आपको सैंतीस के आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा मोल में भी व्यक्त किया जाता है सैंतीस के आंसर डी हो जाएगा ठीक क्वेश्चन नंबर अड़तीस से किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है किसी तत्व के गुणों को क्या प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के अणु भार के तुल्यांकी भार इसमें से क्या प्रदर्शित करता है तो आपको किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक एटोमिक नंबर अड़तीस के आंसर ए क्वेश्चन नंबर उनतालीस है पृथ्वी का पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर उनतालीस है तो ये आपको नील हरित सवाल जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ठीक नील नीलहरित सवाल याद रखिएगा उनतालीस का आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चालीस है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है सबसे छोटा जीव का बताना है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है ये सबसे छोटा जीव ऐसे भी आपसे पूछ सकता है तो इसका नाम है माइको माइकोप्लज्म जो है ये आपको सबसे छोटा जो है जो कि स्वयं विकास भी और प्रजनन करने में भी समर्थ रहता है और ये सबसे छोटा जीव भी है चालीस के आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इकतालीस देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर इकतालीस है तो ये किया गया था लेमार्क और ट्रेवी ट्रेविवीरेनस द्वारा ट्रेवी रेनस द्वारा किया गया था लेमार्क ट्रे, ट्रेवी रेनस ये आपको जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किए थे जुव विज्ञान के पिता किसे बोला जाता है तो अरेस्टोटल अरस्तु को बोला जाता है ठीक क्वेश्चन नंबर आपको देखिए बयालीस कि पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था पांच जगत वर्गीकरण है ये किसने दिया था ये आपको बताना है ठीक तो ये दिया गया था कॉरेस लिनियस द्वारा नहीं यहाँ पर देखिए पांच जगत वर्गीकरण दे रहा है वर्गी के पिता किसे बोला जाता है तो लिनियस ये दो जगत वाला दिए थे पांच जगत जो वर्गीकरण का आपको दिया गया था ये दिया गया था आपको विक्टर द्वारा विक्टर द्वारा दिया गया था विक्टर विक्टेकर ये आपको दिए थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बयालीस का आंसर ए हो जाएगा और वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है तो ये लिनियस करोलस लिनियस को कहा जाता है क्वेश्चन नंबर तिरालीस देखिए वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है वीटी कल्चर में किसका आपका उत्पादन होता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर तिरालीस है तो वीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है ठीक ये ध्यान में रखिएगा तो तिरालीस का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चवालीस है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है ये आपको बताना है कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है ये माइट्रोकोंडिया कहलाता है द पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकोंडिया कहलाता है राइबोसोम जो है ये आपको प्रोटीन बोला जाता है प्रोटीन हाउस भी बोला जाता है या प्रोटीन संश्लेषण भी यहाँ कोशिका को होता है राइबोसोम में लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या के थैली ठीक ये भी ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतालीस से निम्नलिखित में कौन कैंत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है ठीक है चट्टान मुख्यतः आपको अग्नय हुआ अवसादी हुआ और क्यात्रित हुआ ये एक दूसरे में आपको बदलते रहते हैं चैन जैसे होता है ना फूड चैन होता है वैसे ही आपको चट्टान भी एक दूसरे में बदलते रहता है ठीक तो ये पूछ रहा है कैंत्रिक चट्टान इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा है ठीक क्या चट्टान कौन नहीं है ठीक तो ये कैंत्रिक चट्टान आपको चूना पत्थर जो हो जाएगा ये आपको एक प्रकार का औसादी चट्टान हो जाएगा ये कैंत्रिक चट्टान नहीं है ठीक तो पैतालीस का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ये याद रखिएगा पैंतालीस के आंसर डी क्वेश्चन नंबर छियालीस देखिए केवल एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रत्न है एकमात्र रत्न है यहाँ पर देखिएगा ये ये होगा जो एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रत्न कौन सा है यहाँ पर ये वाला हटा दीजिएगा ठीक रत्न कौन सा है यह आपको बताना है तो यह है हीरा हीरा याद रखिएगा जिसे डायमंड बोला जाता है इसका जो चमक होता है यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है ठीक ये भी ध्यान में रखिएगा यह अप्रूफ है ठीक क्रिफाइट का क्वेश्चन नंबर सैंतालीस है कि डब्ल्यू का मुख्यालय है कहाँ है डब्लू का मुख्यालय कहाँ पर है यह आपको बताना है तो डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय जो है ये आपको स्थित है जनेवा स्विट्जरलैंड जनेवा कहाँ पर है स्विट्जरलैंड में है यहीं पर दावोस भी है तो यहाँ पर सैंतालीस के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ये डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय है ठीक क्वेश्चन नंबर अड़तालीस की के कारण जल में डूबी हुई छड़ झुकी हुई प्रतीत होती है किसके कारण जो जल में आपको छड़ डुबाई जाती है या डंडा भी कुछ भी तो वो आपको झुका हुआ प्रतीत होता है या टेढ़ा प्रतीत होता है ठीक ये जो या आप बाल्टी में कोई सिक्का डालते हैं तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ठीक तो ये जो होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ठीक ये ध्यान में रखिएगा चिमटिमाते तारे भी है तो अड़तालीस के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं सी क्वेश्चन नंबर उनचास देखिए मृदा में उगने वाले किटभक् पौधे में कमी होती है किसकी कमी होती है जो मृदा में उगने वाले किटभक्शी पौधे होते हैं उसमें किसकी कमी होती है ये आपको बताना है तो क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है किसका नाइट्रोजन का वायुमंडल में अठहत्तर परसेंट नाइट्रोजन है और लगभग इक्कीस परसेंट के करीब ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है अठहत्तर परसेंट के करीब क्वेश्चन नंबर पचास है निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक तीन होते हैं इसमें से बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है वैसे प्रोटियम हुआ ड्यूटेरियम हुआ जिसे भारी जल ड्यूट्यू आप याद रख सकते हैं और ट्रिटियम ये तीनों आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक है लेकिन ट्रिसियम ये आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है ठीक तो ये पूछ रहा था हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन सा नहीं है तो ए इसका आंसर हो जाएगा पचास का आंसर ए ये समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का पूरे यूनिवर्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही पाया जाता है और अलग अलग तारों में भी हाइड्रोजन गैस ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्वेश्चन नंबर इक्यावन है कि परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है परिस्थितिकी जिसे क्लॉजी बोला जाता है इस शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे का जाया जा जा जाता है ये आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा रेटर रीटर को जाया जाता है परिस्थिति के शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय क्वेश्चन नंबर बावन है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है जो रेड डाटा बुक है उसमें किसका विवरण दिया गया है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर बावन है इसमें दिया रहता है संकट संकट जो पन्न पादप और जीव जंतु होते हैं इनका विवरण रेड डाटा बुक में ठीक ये याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बावन का बी क्वेश्चन नंबर तिरपन के वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है वायु प्रदूषक का सबसे विश्वसनीय संकेतक क्या है ये आपको बताना है ठीक तो ये है लाइकेस एंड मोन्स ये आपको वायु आपको वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेंस एंड मोन्स तो तिरालीस के तिरपन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी क्वेश्चन नंबर चौवन है निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उशरता के लिए उत्तरदायी है इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ये आपको बताना है कौन सी गैस है तो आपको पता है कि मिथिन जिसे मार्च गैस भी बोला जाता है और सीओ टू यह सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है इसकी वैश्विक उत्सर्ता के लिए उत्तरदायी है तो ये चौवन का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मिथिन गैस मार्च गैस जिसे बोला जाता है ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है चौवन के आंसर ए क्वेश्चन नंबर पचपन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको बताना है तो ये मनाया जाता है चौदह दिसंबर को चौदह दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक क्वेश्चन नंबर पचपन के आंसर सी हो जाएगा दस दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है एक दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर छप्पन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हर साल किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है चौदह सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ठीक तो छप्पन के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर संतावन देखिए निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले लगकर शब्दिक अर्थ बदल देता है और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के अंत में रखकर शाब्दिक अर्थ बदल देता है तो निर्वाह वाह में आपको निर लग गया है तो निर्वाह बन गया है ये आपको उपसर्ग कौन सा इसमें से हो जाएगा तो संतावन के आंसर क्या हो जाएगा निर हो जाएगा ये निर्वाह वाह में निर लग गया है तो निर्वाह बन गया है तो संतावन के आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अंठावन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें से जो शुद्ध होगा उसका चयन करना है क्वेश्चन नंबर अंठावन है जिसमें हो जाएगा अधर्म अधर्म लिख कर देखिए अधर्म जो होता है ऐसे लिखा जाता है तो ये शुद्ध लिखा हुआ है बाकी ये सभी अब जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है तो अंठावन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर उनसठ इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है तो संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से आपको याद होना चाहिए छत्र ज्ञान ठीक तो ये आपको इसमें से मिल जाएगा एक तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये आपको ध्यान आपको सी जो हो जाएगा ये संयुक्त व्यंजन क्वेश्चन नंबर साठ देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद है निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निराशा का सही संधि विच्छेद है क्वेश्चन नंबर साठ है तो निराशा ठीक निधन आशा निराशा का क्या हो जाएगा निधन आशा हो जाएगा ये सही संधि विच्छेद के आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एकसठ है कि त्रिभुज में कौन सा समास है क्वेश्चन नंबर एकसठ है कि त्रिभुज में कौन सा समास है ये आपको बताना है त्रिभुज में कौन सा समास है तो समास भी मैंने अलग अलग आपको बताया है त्रिभुज देखिए जब शुरू में संख्यावाचक विशेषण आता है तो उसका समास मैं आपको बताया हूँ वो क्या कहलाता है जब शुरू में संख्यावाचक विशेषण आ जाता है तो ये आपको दिघु समास में आ जाता है कौन सा दिगू समास इस आपको हो जाएगा डी ठीक याद रखिएगा डी क्वेश्चन नंबर बासठ योग रूढ़ शब्द कौन सा है योग रूढ़ इसमें से देखिए ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं ये सभी लेक्चर तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है शब्द कहीं प्रकार है रूढ़ होता है योग रूढ़ होता है योगिक होता है, यो होता है यो ये आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से ठीक ये लंबोदर जो होता है ये आपको योगरूट शब्द के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका देखिए अलग ही एक मीनिंग भी निकलेगा लंबोदर का तोड़िएगा तो दो अलग अलग भी मीनिंग निकलेगा और एक अलग ही आपको अर्थ निकलेगा लंबोदर में इसकी लंबा है उधर जिसका जैसे भगवान गणेश तो बासठ कैंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा योगरूट शब्द में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर तिरसठ देखिए निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ये संज्ञत एक प्रकार का नाम ही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हो जाएगा यमुना यमुना जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा तिरसठ के आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर ठीक क्वेश्चन नंबर चौसठ देखिए किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर आपको चौसठ की कौ कौन से ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया जो है ये वर्तमान काल में है ठीक तो यहाँ पर देखिए मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ ये जो चल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ ये जो ये आपको क्रिया जो है वर्तमान काल में है ठीक तो चौंसठ के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा बाकी सभी क्रिया देखिए भूतकाल में दिया हुआ है बाकी चौंसठ के आंसर सी आराम से आप लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर पैंसठ देखिए भुजंग का प्रवाचित शब्द है भुजंग का प्रवाचित शब्द क्या होता है ये आपको बताना है तो भुजंग का प्रवाची शब्द होता है सर्प क्या होता है सर्प होता है ठीक जिसे सांप भी बोला जाता है पैसठ के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छासठ देखिए सिकंदर महान का शिक्षक कौन था अलेक्जेंडर जिसे बोला जाता है सिकंदर महान का शिक्षक कौन था यह आपको बताना है तो ये अरिस्टोटल अरस्तु अरस्तु जो था ये सिकंदर महान का शिक्षक माना जाता है ठीक तो छाछ का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सड़सठ देखिए देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सड़सठ है तो इनका नाम है अशोक सम्राट अशोक है इन्हें देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है क्वेश्चन नंबर सड़सठ के आंसर हो जाएगा बी ठीक अशोक कलिंग युद्ध भी इन्होंने ही लड़ा था आपको सम्राट अशोक ने ही कलिंग युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने मोर वर्ग की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा हुआ था बिंदुसार और बिंदुसार का ही बेटा हुआ था अशोक आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट देखिए यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा ये आपको बताना है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है और उपराष्ट्रपति आपको जो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है जैसे लोकसभा के जो आ, जो आपको होते अध्यक्ष होते हैं वो आपको उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष अध्यक्ष को आपको दे सकते हैं ऐसे ही त्याग पत्र ठीक तो याद रखिएगा ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आपको दे सकता है त्याग पत्र क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन देखिए नागा खासी और गारो पहाड़ी नागा खासी जयंती गारो ये आपको एक प्रकार के जनजाति भी है और पहाड़ी भी है की नुमा पहाड़ी है ये कहाँ पर पाया जाता है तो ये पूर्वी जो आपको पड़ता है ना पूर्वांचल पर्वतमाला ठीक पूर्वा पूर्वी जो हमारे राज्य उधर मेघालय वाले की तरफ उधर ही मिलता है ठीक ठीक है याद रखिएगा सिक्सटी नाइन आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में ठीक क्वेश्चन नंबर सत्तर देखिए नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है ये बताना है आपको आज का लास्ट क्वेश्चन है ये तो ये ऑप्शन आपके सामने है नागरहोल नेशनल पार्क देख लीजिए फिर से क्वेश्चन नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में स्थित है कहाँ पर है कर्नाटक में ये याद रखिएगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है ठीक याद रखिएगा रेशम भी कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा होता है और टोटल मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया सत्तर सत्तर में कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन का लेवल जो था जिससे मुडेरेट लेवल का था कितने क्वेश्चन स्कोर किए हैं जरूर पूर्वक बताइए ठीक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद